अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में विंडोज सर्वर जो कि गूगल क्लाउड पर इंस्टॉल की जाती है उसके बारे में बहुत ही अहम चीज़ें आपको बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो और आपको पेश आने वाली मसाइल का हल निकाला जा सके। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि मैंने गूगल क्लाउड पर अकाउंट बनाने का तरीका सिखाया है और रिमोट डेस्कटॉप सर्विस को इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया है। ये सारी चीज़ें गूगल क्लाउड सीरीज में मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। जब हम गूगल क्लाउड पर रिमोट डेस्कटॉप कंप्यूटर इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमने बाद काफ़ी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहला मसला ये पेश आता है कि हमारा नेटवर्क फ्रेमवर्क वर्क नहीं करता या वो चलता नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो वो चलता नहीं है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल क्लाउड के रिमोट डेस्कटॉप कंप्यूटर को लॉगिन करेंगे। ये देखिए हमारा रिमोट डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि मैंने लॉस एंजलस में इंस्टॉल किया था वो रन हो रहा है। अब ये देखें ये मेरा सर्वर ऑन हो गया है। अब मैंने एक सॉफ्टवेयर जो कि ABB बल्क मेलर के नाम से है इसको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए ये देखें मैंने इसको ओपन किया। ये देखें इस तरह का नेट फ्रेमवर्क की ऑप्शन मांग रहा था। ये देखें इसमें मैंने विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल की हुई है, तो क्योंकि ये विंडोज सर्वर 2016 है तो सर्वर विंडो में हर चीज़ को जो है एक्सेस देनी पड़ती है। एक्सेस दिए बगैर इसमें कोई भी सर्विस वर्क नहीं करती। तो इसमें हमने जो अभी इस वीडियो में आपको बताना है वो है नेट फ्रेमवर्क। तो नेट फ्रेमवर्क के काफ़ी वर्जन होते हैं, तो हर विंडो को मुख्तलिफ वर्जन चाहिए होता है। तो उसके लिए आपको अपनी इस विंडो में नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल इसलिए करना पड़ता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहें तो वो स्मूथली रन हो सके। क्योंकि जो कि उसका इंस्टॉलर होता है उसकी फाइलें अक्सर डॉट नेट की या डॉट ASP की होती हैं जिसके जरिए उसने रन करना होता है। तो मैंने ये अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए मुझे नेट फ्रेमवर्क चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे। यहाँ स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया और कंट्रोल पैनल को खोल लिया। कंट्रोल पैनल में जाके आप प्रोग्राम एंड फीचर्स पर क्लिक करेंगे और ये देखें लेफ्ट साइड पर ऊपर लिखा हुआ है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और टर्न ऑफ, इस पे क्लिक कर देंगे। ये याद रखें कि इसका जो सेटअप खुलेगा वो नॉर्मल विंडोज 10 या विंडोज 11 या विंडोज 8 से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि ये विंडोज सर्वर है और इसका ये पूरे का पूरा पैनल जो होता है तो और तरह का होता है। थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने वेट करना है, इसमें इसमें इसकी सारी सर्विसेज ओपन करनी है। ये देखें उसकी सर्विसेज को ओपन कर रहा है। इसके बाद आपने ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना है। आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाएंगी। यहाँ से आप अपने नेट फ्रेमवर्क पे टिक कर लें और नेक्स्ट कर लें। और भी इसके अलावा यहाँ से कोई आपको ऑप्शन चाहिए उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो इस अपडेट के साथ वो भी इंस्टॉल हो जाए और आपको बार बार इस फंक्शन को दोहराना ना पड़े। तो चलिए हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। ये देखें इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस ओपन हो गई हैं। ये देखें यहाँ पे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनका टिक लगाने की ऑप्शन आती है, तो मैंने वो टिक पहले लगा दिए हुए थे। तो अब ये देखें वो जो जो सर्विस मुझे रिक्वायर्ड थी वो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड काफ़ी तेज़ है क्योंकि अमेरिका का सर्वर है, तो इसलिए यहाँ पे जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। इसको मैं अपने कंप्यूटर में दिखाता हूँ कि आपको ये कहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ आपने यहाँ पे आके ऐड रोल पे क्लिक करना है, इसमें ऐड रोल का फंक्शन यूज़ होगा। ये देखें ये मेरा कंप्यूटर है और मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूँ। कंट्रोल पैनल में जाके ये देखें प्रोग्राम पे मैंने क्लिक किया, प्रोग्राम एंड फीचर्स पे क्लिक कर लिया। ये देखें यहाँ पे
विंडोज 10 है, इसमें भी 10 विंडोज और फीचर ये इस तरह ओपन हो गए। अगर आप विंडोज 10 में करना चाहें तो उसमें यहाँ से आप करेंगे, विंडोज 11 में भी इसी तरह होगा क्योंकि वो सिंपल विंडोज होगी, सर्वर नहीं होगी। अब ये देखें, यहाँ से मैंने नेट फ्रेम को सिलेक्ट किया हुआ है, ये टिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे भी किया हुआ है, और अगर मैं इनको ये एक्सेस भी देना चाहता हूँ तो दोबारा ओके करूँगा तो ये दोबारा ये सर्विस इंस्टॉल करनी शुरू कर देगा। सर्वर में ये डिफरेंस है कि ये देखें यहाँ भी इस तरह का पैनल खुलता है, और इसमें ऐड रोल पे क्लिक करके इन चीज़ों को टिक करना पड़ता है, तो ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू कर देता है। जब ये चीज़ें इंस्टॉल हो जाएं तो आपने अपने सर्वर को यहाँ से रिस्टार्ट नहीं करवाना, आपने अपने गूगल क्लाउड में जाकर अपनी सर्विसेज को स्टॉप करना है। तो आपकी विंडो जो है वो यहाँ स्टॉप कर दें या रिस्टार्ट कर दें। ये देखें मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ये देखें मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, मैं अपने उस आईडी से लॉगिन करता हूँ जिसपे मेरा ये गूगल क्लाउड है। ये देखें ये लॉगिन हो गया, मैंने आपको पहले, आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया हुआ है कि ये गूगल का नया प्रोडक्ट सर्च करने का सर्च इंजन है जो गूगल क्लाउड के साथ मर्ज है। यहाँ पे मैं VM लिखूंगा और नीचे VM इंस्टेंस, यानी कि VM इंस्टेंस जो मेरा ये कंप्यूटर इंस्टॉल है वो आ जाएगा। VM इंस्टेंस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखें जो मेरा VM इंस्टेंस इंस्टॉल है ये उसकी ऑप्शंस आ गई। यहाँ पे देखेंगे तो ये देखें स्टॉप, सस्पेंड, रीसेट, डिलीट, ये सारी ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से स्टॉप पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर ये टाइम लेगा, स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे ये रन होना शुरू हो जाएगा, ये पहला आइकॉन पे रन होकर स्टॉप हो जाएगा। फिर आप दोबारा यहाँ पे आए और इसको स्टार्ट पे क्लिक कर दें तो आपका सिस्टम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लोज करके आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो नट से वर्क नहीं मांगेगा बल्कि इंस्टॉल होने की ऑप्शन दे देगा। ये देखें नट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें अब इसने नेट फ्रेमवर्क नहीं मांगा। अब ये देखें उसके बाद इसका सेटअप आ गया है और ये इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी गूगल क्लाउड के हवाले से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। शुक्रिया। ये देखें प्लीज यूज विंडोज अपडेट टू चेक फॉर एनी क्रिटिकल अपडेट टू द नेट फ्रेमवर्क। ये उसने मैसेज भी दिया है कि अगर आपको कोई मसला आए तो अपना नेट फ्रेमवर्क अपडेट करें या उसको दोबारा इंस्टॉल करें।